एशिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? एशिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? एशिया का नंबर वन स्टूडेंट कौन है? थैंक यू वेरी मच। तो नमस्कार दोस्तों, मैं से टेलीकॉम से दुर्गेश, और आज हमारा फेयरवेल का डे है, लास्ट डे है, और यहाँ पे कुछ स्टूडेंट है और हमारे साथ है मिलन सर। यस। तो अभी ये क्यों खड़े हैं? क्योंकि इनका, अब मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्योंकि लाइव ये डेली हर एक दिन इनसे रिव्यू लिया गया है। जब जो भी क्लास हुई, हर एक दिन का रिव्यू है। हम यहाँ पे बस ये पूछना चाहते हैं कि यहाँ का डिसिप्लिन कैसा है, और यहाँ पे आगे जाके आपकी प्लानिंग क्या है, और यहाँ पे जो बोला गया था 4 दिन में आप वापस घर जा सकते हैं, तो आप क्यों नहीं गए? तो चलिए ठीक है, देव सर के साथ हार्डवेयर का सेक्शन कैसा रहा? देव सर का जो सेक्शन था, हार्डवेयर सेक्शन, बहुत बेस्ट था। मुझे फुल नॉलेजेबल है, ए टू जेड, लास्ट तक, शुरू से लास्ट तक पूरा नॉलेज ही नॉलेज है। कैसा रहा आपका हार्डवेयर? बहुत अच्छा सर, जितना सोच के आए थे उससे ज्यादा मिल गया। क्या नाम है आपका? बापी, उड़ीसा से। ओके। आपका नाम और आप तो उड़ीसा, सारे स्टूडेंट में बता दूं ये उड़ीसा से ही है, तो अपना नाम बताइए पहले। गणपति, उड़ीसा से। कैसा रहा आपका हार्डवेयर? बहुत अच्छा था सर, बहुत अच्छा। मीन जो आपके पास नॉलेज था कॉन्क्रीट का, जो भी था, सब कुछ मिला कि नहीं मिला? मिला 100%। चलिए ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे पूछना चाहूंगा, सॉफ्टवेयर का सफर कैसा रहा आपका? सॉफ्टवेयर का सफर सर बहुत बेस्ट था। जो मुझे नॉलेज नहीं था वो सर ऐसे नॉलेज दिया है कि जो कई सालों का मेहनत सर का, वो अपने को सॉफ्टवेयर क्लास में 4 दिन के क्लास में दे दिया है। उनका जो पूरा मेहनत पूरा हम लोग को निचोड़ के दे दिया है। चलिए ठीक है, अब आपका सॉफ्टवेयर सफर कैसा रहा? सर पहले तो बहुत बड़ा सेक्शन मानते थे, सॉफ्टवेयर नहीं समझ पाऊंगा, लेकिन मिलन सर जिस तरीके से हम लोग बताया, बहुत शॉर्ट तरीके से बताया, समझ पाया। ओके, आपका कैसा रहा? बहुत अच्छा था सर, बहुत अच्छा रहा जी। फिर उसके बाद MMC क्लास हुई, जिसमें ब्लैक पेस्टर, डुअल टेकर, प्रोग्रामिंग, MMC चेंज और हेल्थ कैसे रिपेयर करते हैं, सारा कुछ। तो कैसा रहा मिलन सर के साथ क्लास? मिलन सर के साथ उनका भी जो एक्सपीरियंस है, पूरा का पूरा अपना स्टूडेंट के ऊपर दिया है, उनका तो भी कोई जवाब नहीं है। तो कुछ हाइड किया? नहीं सर, कोई हाइड नहीं है, वो तो जो उनका लाइफ में बनाया है सब कुछ स्टूडेंट को दिया है। ऐसे नहीं कि एक, मतलब एक रुपये का भी छोड़ा नहीं है, पूरा का पूरा सब स्टूडेंट के ऊपर। बिल्कुल एडवांस क्लास जो उनका आगे का भी है वो बता के रखे है, आगे ऐसे होने वाला है, ऐसे होने वाला है, और उनका जो जिंदगी का पूरा मेहनत, पूरा सब कुछ अपने के ऊपर दिया है, कुछ भी ऐड नहीं किया सर। ओके। चलिए, कैसा आपका मिलन सर? बहुत अच्छा सर, बोल दिया सर, जितना मैं सोच के आया था पूरा नॉर्मल कर दिया। इतना तो नहीं पता नहीं था सॉफ्टवेयर बहुत बड़ा सेक्शन होगा, समझ में नहीं पाएंगे, लेकिन इधर आके नॉर्मल तरीके से समझाया सर। बहुत समझ गया सर कैसे करना है, फिर लेके गया, राइटिंग करके भी नोट करके लिख रहा हूँ, फिर घर जाके वो पूरा सेट हो जाएगा, प्रैक्टिकल करना है जी सर। आपका कैसा रहा? बहुत अच्छा था सर, अभी भी मन में लड्डू फूटने लगा हुआ है, तो वहाँ पे जाके और ज्यादा फूटाऊंगा लड्डू, और ज्यादा तो वही। चलिए ठीक है, अब इसके बाद मिलन सर पूछेंगे इनका थ्रू आउट कैसा रहा। तो हमारे साथ में इन चारों से एक बात और एक पूछना चाहता हूँ, एशिया टेलीकॉम मतलब पैसा उसूल है कि नहीं? पैसा उसूल है, ठीक है। मैं, हमारे साथ ये दो स्टूडेंट है, इनका नाम क्या है आपका? मेरा नाम इमरान है। आपका नाम? उमाकांत है। उमाकांत, इमरान जी बताइए कैसा रहा सफर, और क्या लेके जा रहे हैं, झोली में लेके जा रहे हैं या दिमाग में लेके जा रहे हैं? सर दिमाग में सर, झोली में कुछ नहीं, दिमाग में बहुत ज्यादा लेके जा रहे हैं। दिमाग में लेके जा रहे हैं सर। देव सर के साथ हार्डवेयर सेक्शन कैसा रहा? बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। उसके बाद आपने दुर्गेश सर को अटेंड किया, सॉफ्टवेयर पहले करते थे क्या आप? सॉफ्टवेयर नॉर्मल करते थे, नॉर्मल नॉलेज नहीं। अब सॉफ्टवेयर कुछ भी आ जाए हो जाएगा, एक मोबाइल के लिए 5-5 फाइल डाउनलोड करेंगे क्या? नहीं नहीं, एक ही फाइल में हो जाएगा, एक ही फाइल में हो जाएगा। चलिए थैंक यू वेरी मच। उसके बाद हमारे साथ मिले आपने, हमारे साथ कैसा रहा सफर? सर आपके साथ बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। सारा काम आपने लाइव देखा? यस सर, हर एक काम, कोई भी सेक्शन हुआ, कुछ भी हुआ, कुछ भी हो हम लोग हो जाएंगे, हो जाएंगे। चलिए हमारे साथ और एक स्टूडेंट है, उमाकांत जी। उमाकांत जी आपका सफर कैसा रहा? बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपको तो पहले कोई बात नहीं, इतना नॉलेज मेरे लाइफ में कभी, मैं नहीं सोच के आया था कि ऐसा भी होता है। मैं समझा था कि जब देखा था YouTube में, ये लोग इस लोगों को बोलते हैं झूठ बोलने के लिए, ऐसे बोलते हैं वो, नहीं तो प्रेशर दे के बोलते हैं। मैं आज आया इसीलिए, मेरे को पता चला कि ये मैं जो सोचता था वो गलत सोचता था सर, ये इधर पूरा 100% नहीं, सच में बोल रहा हूँ, जो बात दिल में गया। मैं तो खुद सोचता था ये लोग ऐसा झूठ करते हैं, जो बोलते हैं ना उस लोगों को प्रेशर दे के ही ऐसा करते हैं, लेकिन वो जो मेरे को जो समझ सकता है, मेरे दिल से बोल रहा हूँ, लेकिन इधर पूरा सचबुज अपने दिल से जो बोलता है सच बोलता है। थैंक यू वेरी मच आपको, और आप चारों से ही पूछना चाहता हूँ एक बात, कि अगर
अगर उड़िया में हालांकि बोल सकते हैं लेकिन अभी नहीं, अगर कोई एशिया टेलीकॉम आना चाहे उड़ीसा से, आप क्या प्रिफर करें? आँख बंद करके सर आना चाहिए। आप क्या उड़ीसा का जितना लोग हैं मैं बोल रहा हूँ कि तो जहाँ भी जाओ पहले एशिया टेलीकॉम आके देखो, अगर पता नहीं चलेगा। अच्छा, आप कितने फोन लाए थे? जी सर, मैं लगभग 30। अच्छा, आपने UMC क्लास में जितने भी फोन दिए थे वो बनाए कि नहीं बनाए? बनाए सर, जो आपने, मैं कभी नहीं सोचा था कि अगर इंसान में ब्रेन चेंज होता है ये जानता था, लेकिन आपने तो इतना आसान कर दिया कि मोबाइल में ब्रेन चेंज होता है। आप वो करके दिखाइए सर। चलिए, थैंक यू वेरी मच। और नेक्स्ट स्टूडेंट को बुझाते हैं। और मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छा काम करेंगे, अपने उड़ीसा में बहुत अच्छा नाम करेंगे। एशिया टेलीकॉम आपके साथ लाइफ टाइम जुड़ा हुआ है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।